गुड मॉर्निंग एवरीवन, शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस का टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ COOS समूह, कार्बोक्सिल समूह जुड़ जाता है तो उसे कार्बोक्सिल अम्ल बोलते हैं। फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, SCOOH। ये मधुमक्खी और लाल चींटी के डंक में होता है। जब मधुमक्खी और लाल चींटी हमारी बॉडी पर काटती हैं तो वो एक अम्ल छोड़ती हैं, इसे ही फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। जहाँ पर वो काटती हैं वहाँ पर जलन और हल्की सी सूजन आ जाती है। सेकंड है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। इसे एंथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। फलों के रसों में और सिरका में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू एसिटिक अम्ल के कारण ही आती है। थर्ड है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल सबसे अधिक पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। फोर्थ है साइट्रिक अम्ल। ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। ये प्राकृतिक संरक्षक भी होता है। फिफ्थ है ऑक्जैलिक अम्ल। ये सारेल के वृक्ष और टमाटर में पाया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में और स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। सिक्स है टार्टरिक अम्ल। ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है, अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर NaSCO3, खाने के सोडा, केक बनाने आदि में किया जाता है बेकिंग पाउडर का उपयोग। सेवेंथ है बेंजोइक अम्ल। ये घास, पत्ते, मूत्र आदि से प्राप्त होता है और इसका उपयोग दवा बनाने में, फलों के रसों को संरक्षित करने में और फूड प्रोसेसिंग में किया जाता है, जैसे अचार, मुरब्बा, फल, फूलों के रस, शरबत आदि को डिब्बों और बोतलों में बंद प्रेक्षित कर आहारों को सड़ने और किण्वन खराब होने से बचाने के लिए उनके साथ